IVF ट्रीटमेंट IVF जिस पेशेंट में हम करते हैं द नॉर्मल सक्सेस रेट इज़ अराउंड 50-60%, बट इट अगेन डिपेंड्स कि पेशेंट की प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या फिर उनकी एग्स कम है या हस्बैंड के फैक्टर है, उन वाले रीजंस में द सक्सेस रेट थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। अगर हस्बैंड का स्पर्म फैक्टर में प्रॉब्लम है बट अगर हमने इक्सी किया और उनका अगर एम्ब्रियो अच्छा बनता है तो देन द चांसेस आर हाई। बट वही अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम होती है कंपैरेटिवली एट ऑन नॉर्मल पॉपुलेशन, उनकी सक्सेस रेट एक 10-15% कम होती है। ऑन द होल ओवरऑल अगर हम सक्सेस रेट्स की बात करें तो अराउंड 50-60% होता है। सिमिलरली एक वाइफ की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोर देन 35 द सक्सेस रेट ऑफ IVF starts कमिंग डाउन एंड मोर देन 40 जो नॉर्मल 50-60% हम कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 30-40% हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40। तो इसीलिए पेशेंट्स को हम कहते हैं अगर आपने 35 से पहले आपने ट्राई कर लिया एंड अभी तब तक प्रेगनेंसी नहीं हुई प्लीज़ मीट अस, क्योंकि अगर हमें IVF प्रोसेस करना है वो 40 के अंदर करेंगे तो आपकी डेफिनेटली चांसेस आर हायर टू गेट प्रेगनेंसी।